Hi guys, wish you a very very good morning. This is me Ashi Joshi and you are watching me on the channel of AchieveIS. So here it is 11th of July 2020 and we are going to take today's the Hindu news analysis. Okay, so सबसे पहला जैसा कि आप सभी को पता है कि हम डेली बेसिस पे ना हिंदू स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट लेते हैं या एक ऐसी इमेज लेते हैं जो समवेयर हमें इंस्पायर करती है. ओके सो आज के जो आज का जो ये मोटिवेशनल कोट या हम कह सकते हैं कि ऐसी लाइंस जो हमें कहीं ना कहीं इंस्पायर करेगी या जीवन में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगी वो लाइंस है ये. तो इसमें जीवन के 6 रूल्स को बताया गया है, 6 रूल्स बताए हैं लाइफ के. जीवन में सक्सेस हो पाने के लिए या लाइफ में सक्सेस गेन करने के लिए यू हैव टू फॉलो दीज 6 रूल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ विजन ऑफ योरसेल्फ. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका खुद का जीवन में कोई मकसद है, कोई एम है, कोई अस्तित्व है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है. कंपेयर योरसेल्फ टू दी ओल्ड यू. ओके आप खुद को हमेशा कंपेयर कीजिए कि पहले मैं कैसा था और अभी मैं कैसा हूँ. ओके या पहले जो था वो सही था या अभी जो हूँ वो सही हूँ, इस तरीके से खुद को हमेशा कंपेयर कीजिए. उसके अलावा ग्रोथ इज़ आउटसाइड द कंफर्ट जोन. हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, लाइफ में ग्रो कर पाएंगे. अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं जो आपको आराम दे रही है, आरामदायक चीज़ें कभी आपको सक्सेस नहीं दिलाती, वो सिर्फ आराम ही देती हैं. तो अगर आपको आराम नहीं चाहिए और सक्सेस चाहिए तो आपको उस आराम भरी ज़िंदगी से, उस कंफर्टेबल लाइफ से बाहर आना होगा और आगे बढ़ना होगा. ओके सो द नेक्स्ट इज़ रीडिंग बुक इज़ एन एडवांटेज. हमेशा किताबें पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए. आप एजुकेशनल या एकेडमिक फील्ड में नहीं हैं तो भी आप पढ़िए, जिससे कि वो आपके लिए एक एडवांटेज क्रिएट करेगी. कहीं ना कहीं आपका वोकैब इम्प्रूव होता है, कहीं ना कहीं आपका नॉलेज इम्प्रूव होता है, कहीं ना कहीं आपकी रीडिंग हैबिट जो है वो आपको अदर और दूसरी जो दिमाग ख़राब कर देने वाली चीज़ें हैं उन्हें सोचने में या न सोचने में इवन हेल्प करती है. ओके द नेक्स्ट इज़ फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट. आप माफ़ करना सीखिए लेकिन किसी को भूलिए नहीं. हमेशा जिन लोगों से मिलते हैं उन्हें हमेशा अपने जीवन में रखिए, उन्हें हमेशा अपने जीवन में अपने साथ लेकर चलिए. द नेक्स्ट इज़ नेवर क्विट द गेम. कभी भी गेम क्विट नहीं कीजिए, मतलब बीच में छोड़ के नहीं भागिए. हमेशा गेम को फॉलो कीजिए, एंड तक अपने सारे प्रयासों को डालिए. ठीक है सो इट वाज ऑल अबाउट द 6 रूल्स टू विन इन लाइफ. लाइफ में विन करने के लिए आपको जिन 6 रूल्स की ज़रूरत होती है उन 6 रूल्स को यहाँ पे बताया गया है. ओके सो आइए आज का न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट न्यूज़ इज़ दुबे शॉट डाइड इन एक्सचेंज ऑफ फायर. दुबे, विकास दुबे गैंगस्टर रह चुका है. 62 क्रिमिनल केसेस चल रहे थे जिसके ऊपर यूपी का है ये. उसके ऊपर 5 केसेस मर्डर के थे जबकि 8 केसेस जो है अटेम्प्ट टू मर्डर थे के थे. ओके दुबे का नाम जो है, दुबे के नाम कई सारी FIRs लॉन्च थी ऑलरेडी और अभी 6 महीने पहले करीब उसने अपने खुद को जो है सरेंडर कर दिया था बट वॉज एक्विटेड 4 years लेटर. लेकिन करीब 4 साल बाद में वो पकड़ में आया था. द गनर शेडो एंड पर्सनल स्टाफ ऑफ द मर्डर मैन गेव स्टेटमेंट इन दुबेज फेवर. अब तक जितने भी स्टेटमेंट्स गनर का या शेडो का या पर्सनल स्टाफ का जो लिया गया है स्टेटमेंट लिया गया है उन सब के चलते सभी ने दुबे के बारे में जो है पॉजिटिव स्टेटमेंट या दुबे के फेवर में ही स्टेटमेंट दिए हैं. इससे पहले 2 years previously in 1999 दुबे was allegedly killed जुन्ना बाबा जो है उन्हें बुरी तरीके से उनकी हत्या कर दी गई थी दुबे द्वारा और उसके बाद में ज़मीन और प्रॉपर्टी को हथिया लिया गया था. In 2000 he was accused in the murder of his teacher. अपनी टीचर और रिटायर्ड प्रिंसिपल को ही उन्होंने मार दिया था ताराचंद इंटर कॉलेज जो था लोकल वहाँ पे एंड जेल फॉर सम टाइम. और कुछ समय के लिए जेल में रहे, मतलब समवेयर हम कह सकते हैं काफ़ी लोगों को उन्होंने मारा है. और फाइनली जो है अभी एक यूपी और जो है दुबई के बीच में फायरिंग चली, एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ
और भागने की कोशिश की जा रही थी विकास दुबे द्वारा, उसी बीच में फायरिंग हुई और पुलिस द्वारा उसकी हत्या कर दी गई या पुलिस द्वारा उसको मार दिया गया। ओके, तो समवेयर इसे एक अच्छी घटना भी कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक जो है नेगेटिव इसके अंदर एस्पेक्ट देखने को मिलता है पुलिस डिपार्टमेंट का। ओके, नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट न्यूज़। क्राइम एज पनिशमेंट, द स्टेट मस्ट गेट टफ ऑन क्राइम बट द पुलिस शुड नॉट बी अलाउड टू ब्रेक द रूल। देखिए, ये बात फैक्ट है कि स्टेट्स को जो है क्राइम के बेसिस पर टफ होने की ज़रूरत है, लेकिन पुलिस जो है उनको इतना अलाउ नहीं होना, उनको इतनी परमिशन नहीं होनी चाहिए कि वो रूल्स को ब्रेक करें। यूपी के अंदर पुलिस अकाउंट्स द गैंगस्टर, आपको पता होगा कि अभी हमने डिस्कस किया विकास दुबे को फ्राइडे को मार दिया गया है एनकाउंटर में पुलिस ने। इवन इफ टेकन एट फेस वैल्यू इज अ स्टार्टलिंग एडमिशन ऑफ सीरियस इनएप्टीट्यूड बट द ऑफिशियल नैरेटिव एज इट स्टैंड्स स्ट्रेचेज द बाउंड ऑफ क्रेडिबिलिटी to an astonishing extent. The possibility that his death is officially sanctioned retribution for the murder of 8 policemen who were part of the team that went to arrest him on July 3rd. देखिए हुआ क्या था, मैं आपको बता देती हूँ कि अभी रिसेंटली जो है दुबे भाग रहा था और उसी बीच में उसे मार दिया गया। ये एक फॉर्म बाहरी रूप से दिखाया जा रहा है, लेकिन अंदरूनी जो बातें सामने आ रही हैं, आपने देखा होगा काफ़ी न्यूज़ में भी रही है कि दुबे जो है बेसिकली उसे मारने का पुलिस के पीछे एक मकसद था। पुलिस ने जो है अभी 8 पुलिस वाले जो कि गए थे गैंगस्टर्स को मारने के लिए, वहीं पे जो है 8 पुलिस वालों को मार दिया गया गैंगस्टर्स द्वारा। अब उन गैंगस्टर्स को मारने के लिए ऐसा माना जा रहा था कि इसमें सब दुबे का हाथ है, ऐसा पुलिस ऑफिशियल्स का मानना था, और उन्होंने इसी बदले के चलते जो है दुबे को मार डाला। सो समवेयर ये काफ़ी एक जो है काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड एरिया, या हम कह सकते हैं काफ़ी न्यूज़ में भी है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो है उनका उल्लंघन हुआ है, एंड जो कोर्ट है उन्होंने इस केस के बारे में छानबीन करने की बात कही है। गोडिंग द पुलिस ऑन टू डिलीवर इंस्टेंट जस्टिस और even tolerating such behavior creates an atmosphere of impunity that could lead to murder in innocent people as happened with the custodial death in Tamil Nadu. देखिए कई बार aggressiveness जो होती है पुलिस की वो इस हद तक बढ़ जाती है कि वो innocent लोगों को भी नहीं छोड़ पाती, जैसे कि तमिलनाडु में हमने देखा पिता और पुत्र की जो है कस्टडियल डेथ को लेकर काफ़ी चर्चा में है ये मुद्दा। तो उससे रिलेटेड अगर हम बात करें तो कई बार ऐसी जो है घटनाएं घटित होती हैं जो पॉइंट आउट करती है उन लोगों को जिन्होंने ये जिनका ये मानना है कि हम सही हैं, है ना। तो जो पुलिस वाले ये हरकत जिन्होंने की है, डेफिनेटली दे वर वेरी एग्रेसिव अबाउट द 8 पुलिसमेंस डेथ। ओके, 8 पुलिस वालों की हत्या हो जाने से कहीं ना कहीं जो ये पुलिस हम कह सकते हैं पुलिस डिपार्टमेंट है वो एग्रेसिव था, और उसी का एग्रेशन जो है वो विकास दुबे पे निकला। काफ़ी न्यूज़ में है ये पूरा घटनाक्रम कि जो है एक कस्टडी, या हम कह सकते हैं कस्टडियल डेथ तो चलिए एक सेकेंडरी मैटर है, लेकिन कस्टडियल डेथ को जो है फोकस करते हुए और विकास दुबे की डेथ को देखते हुए ये लग रहा है कि पुलिस वालों का जो एग्रेशन है वो कंटिन्यूसली बढ़ता चला जा रहा है। जिस तरह का जो एस्टैब्लिशमेंट या जिस तरह के लॉ को एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है, या जिस तरह का एक दायरा क्रिएट होना चाहिए पुलिस और क्रिमिनल्स के बीच में, वो नहीं हो रहा है, और इवन एग्रेशन में बहुत सारी ऐसी घटनाएँ घटित हो रही है जो नहीं होनी चाहिए, है ना। और ऐसा ये क्योंकि इन सब के पीछे एक कारण है, ये जो विकास दुबे की डेथ है उसको भी उसी का एक रीज़न माना जा रहा है। जैसा कि 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई थी, तो कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट का ये मानना है कि उसके अंदर विकास दुबे का हाथ था और उसी के चलते विकास दुबे को भी मार दिया गया है। होप यू गॉट इट। ओके, द नेक्स्ट इज़ रिफॉर्म
With caution, criminal law reform should not be made by quick fire means or without wide consultation. Criminal laws को reform करने की ज़रूरत है, लेकिन इस तरीके से नहीं कि जल्दबाजी में किया जाए या without any wide consultation ही ऐसा सब कुछ किया जाए. Okay, the formation of a committee for the reform of criminal laws by the Union Home Minister with an apparently short time frame and limited scope for public consultation has caused considerable disquiet among jurists, lawyers and other concerns with the state of criminal justice in the country. सो क्रिमिनल लॉज को रिफॉर्म करने के लिए जो कमेटी बनाई गई है यूनियन होम मिनिस्टर द्वारा, तो उसको और बहुत कम समय में इसे फ्रेम किया गया है लिमिटेड स्कोप के चलते. पब्लिक कंसल्टेशन, देखिए पब्लिक कंसल्टेशन भी बहुत कम रहा, और इसके अलावा जो जूरिस्ट लॉयर्स या अदर कंसर्न डिपार्टमेंट है या स्टेट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस इन इंडिया कंट्री जो है, उनको भी कहीं ना कहीं इस बात से आपत्ति जो है, आपत्तिजनक स्टेटमेंट आए हैं उनकी तरफ से, या उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि ये जो घटनाक्रम हुआ है या ये जो इंस्टेंटली कमेटी बनाई गई है क्रिमिनल लॉज को रिफॉर्म करने के लिए, वो कहीं ना कहीं जल्दबाजी है इस मैटर में, है ना. फ्यू वुड डिसएग्री विद द आइडिया दैट द करंट लॉज गवर्निंग क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल रिक्वायर मीनिंगफुल रिफॉर्म्स. अभी जो सरकार चल रही है और सरकार द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे हैं किसके लिए, क्राइम इन्वेस्टिगेशन ट्रायल्स के लिए या लॉ गवर्निंग के लिए, तो इनके लिए कहीं ना कहीं ट्रायल्स की ज़रूरत है या अटेम्प्ट्स की ज़रूरत है, या हम कह सकते हैं कि मीनिंगफुल फॉर्म की ज़रूरत है, मीनिंगफुल रिक्वायरमेंट है, ना कि जल्दबाजी में बस एकदम से कोई डिसीजन ले लेना फ्रेम कर देने की. ठीक है, देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट्स इन रिसेंट डिकेड्स टू ओवरहॉल द बॉडी ऑफ क्रिमिनल लॉ. क्रिमिनल लॉ की बॉडी को ओवरहॉल करने के लिए पिछले कुछ डिकेड्स के अंदर काफ़ी सारे अटेम्प्ट्स ऑलरेडी किए गए हैं, है ना. कंप्राइजिंग द इंडियन पैनल कोड ऑफ 1860 विंटेज, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर दैट वॉज री रिटन इन 1973, द इंडियन एविडेंस एक्ट दैट डेट्स बैक टू 1872. तो ये सारे रिफॉर्म्स है, ये सारे वो चीज़ें हैं, ये सारे वो एरियाज हैं जहाँ पर हमने पिछले सालों के अंदर जो है ओवरहॉल करने की कोशिश की, मतलब इनमें कुछ सुधार लाने की कोशिश की गई है. However, comprehensive legal reform is something that requires careful consideration and a good deal of deliberation. One criticism against the latest committee is that it has begun its work in the midst of a pandemic. This may not be the ideal time for wide consultation. अब देखिए, अब हमें ये बात हमारे सामने आएगी कि भाई रिफॉर्म की बात की जा रही है ना, क्रिमिनल लॉज के रिफॉर्मेशन की बात की जा रही है, तो क्यों ऐसा हो रहा है कि ये न्यूज़ में है या क्यों इसे हाईलाइट किया जा रहा है. तो देखिए, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ये पेंडेमिक के टाइम पे इसे जो है क्रिएट किया गया है, और इसकी वजह से काफ़ी सारे जो है इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं कि पेंडेमिक टाइम इज़ नॉट आइडियल टाइम फॉर वाइड कंसल्टेशन. वाइड लेवल पे जो है कंसल्टेशन पॉसिबल नहीं होता है अगर आप इस समय शुरू करते हैं इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना. ओके, द पैनल्स मैंडेट अपीयर्स क्वाइट ब्रॉड टू रिकमेंड रिफॉर्म्स इन द क्रिमिनल लॉ ऑफ द कंट्री इन अ प्रिंसिपल्ड इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर विच इंश्योर्स द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द इंडिविजुअल. हर इंसान की सिक्योरिटी, सेफ्टी और उनको जो है उसको ध्यान में रखते हुए एक एफिशिएंट मैनर में या इफेक्टिव मैनर में या प्रिंसिपल वे में क्रिमिनल लॉज को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, ना कि जल्दबाजी में. द कम्युनिटी एंड द नेशन एंड विच प्रायोरिटाइज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ जस्टिस, डिग्निटी एंड द इनहेरेंट वर्थ ऑफ द इंडिविजुअल. दिस इज वेग एंड ओपन टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस. इट इज ऑल्सो नॉट क्लियर व्हाई द लॉ कमीशन हैज़ मेड नॉट बीन वेस्टेड विथ दिस टास्क. द लैक ऑफ डाइवर्सिटी इज वॉट इन एन All male Delhi based committee has also been adversely commented upon. In 2003, the Justice V.S. Mallinath committee, as reforms in the
criminal justice system had come up with some far-reaching suggestions, okay, some of which become part of changes in criminal law. देखिए criminal laws में change लाने के लिए काफ़ी सारे प्रयास पिछले कई सालों में किए जा रहे हैं. Even V.S. Mallika, मलिमत कमेटी जो है, मलिमत कमेटी 2003 में फॉर्म हुई थी, उसने भी काफ़ी जो है रिफॉर्म्स के लिए, चेंजेस के लिए काफ़ी प्रयास किए थे, काफ़ी सजेशंस दिए थे, दूर दराज के तक जो है इफ़ेक्ट करने वाले काफ़ी सजेशंस दिए थे. बट समवेयर व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस दैट वी आर टेकिंग इमीडिएट एक्शंस एंड इन दीज टाइप ऑफ रिफॉर्म्स वेयर वी हैव टू वर्क ऑन क्रिमिनल लॉज, वी हैव टू थिंक अ लॉट, वी हैव टू क्रिएट अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, वी हैव टू क्रिएट अ प्रॉपर मेजरमेंट टू वर्क इन दिस पर्टिकुलर फील्ड. ओके, द जस्टिस वर्मा पैनल came up with comprehensive and progressive report on reforms needed in law. Law के अंदर जो particular reforms की ज़रूरत है, progressive reports की ज़रूरत है, comprehensive report की ज़रूरत है, वो कार्य किया था Justice Verma ने, है ना. कब किया था? 2013 में, women के against in barely 1 month, जो against जो crimes हो रहे थे women के against, उसको एक ही महीने में बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने handle किया था. But its speed was probably due to the limit mandate it had. It if at all criminal law is to be reformed, अगर सभी criminal laws को reform कर दिया जाता है, there should be a genuine attempt to reach a wide consensus on ways to speed up trials, protect witnesses and address the travails of victim, improve investigation mechanism and more importantly eliminate टॉर्चर को एलिमिनेट किया जा सकता है. और भी कई सारे जो यहाँ पे हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, उन सभी पर कार्य किया जा सकता है अगर क्रिमिनल लॉज को प्रॉपरली और जेन्युइन अटेम्प्ट के साथ में आगे बढ़ाया जाए, उस पर कार्य किया जाए, है ना. अदर देन दिस एन इम्प्रेशन शुड नॉट गेन ग्राउंड दैट वाइड रेंज चेंजेस आर सॉट टू बी मेड विद इन a short time frame and based on limited inputs from the public. Reform is best achieved through a caution and inclusion approach. देखिए life में कोई भी जो है caution ले लीजिए या अदर कोई भी step ले लीजिए या action ले लीजिए या तरीका ले लीजिए, the best way to get reformed is to best way to get developed or to change your criteria or change your working system is reform. किसी भी चीज़ में reform सबसे ज़्यादा important है. reforms के basis पर ही उस particular area को एक नया रूप दे करके और नए तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है. होप यू गॉट इट. ओके, और रिफॉर्म्स जो हम कर रहे हैं, सरकार जो रिफॉर्म्स कर रही है, काफ़ी प्रयास कर रही है सरकार, पहले भी कई सारी सरकारों ने काफ़ी प्रयास किए हैं रिफॉर्म्स लाने के, और कई तरह के रिफॉर्म्स आते हैं. जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करें तो LPG मॉडल पेश किया था मनमोहन सिंह जी द्वारा, है ना, तो वो भी एक इकोनॉमिक रिफॉर्म था, बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म था इंडिया की नज़र में, है ना. तो इस तरह के कई सारे रिफॉर्म्स ऑलरेडी किए गए हैं, आज तक प्रयास किए गए हैं और अभी भी किए जा रहे हैं, और करना गलत नहीं है, लेकिन उनको करना है तो एक तरीके पर्टिकुलर प्रोटेक्शन या कॉशन के साथ में करना होगा, जिससे कि आने वाले टाइम में कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट, कोई अदर इश्यूज क्रिएट ना हो. ओके, इट इज़ ऑल अबाउट वी एंड आर कंट्री एंड आर लॉज. सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज, डू वी नीड अ फिस्कल काउंसिल एंड इंस्टीट्यूशनल बिमोथ विथ सच अ वाइड जॉब चार्ट विल लाइकली एड मोर टू द नॉइस than to be to the signal. Okay, the government needs to borrow. देखिए basically ये पूरा जो article है, इसको मैं briefing कर देती हूँ आपको. ये जो article है ये based है अभी at present जो condition है देश की, उसको देखते हुए ये ज़रूरत है कि सरकार पैसा borrow करे और उसे spend करे, जिससे कि vulnerable household जो हैं या जो इकोनॉमिकली जो रिकवर नहीं कर पा रहे हैं सेक्टर्स, उन सबको इकोनॉमिकली रिकवर करने के लिए सरकार को पैसा लगाना होगा. ओके, दे आर ट्राइंग एट देयर बेस्ट, वो अपनी तरीके से सारे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कई सारे ऐसे एरियाज आज भी हैं वल्नरेबल, जहां सरकार पहुंच नहीं पाती है या जहां पे ऑफिशियल अथॉरिटीज़ नहीं पहुंच पाती है, और अगर पहुंच भी जाती है तो कई बार करप्शन या अदर रीजंस की वजह से कुछ कार्य नहीं हो पाते हैं.
है ना। तो क्या हमें ज़रूरत है एक फिस्कल काउंसिल की? क्या हमें पूरी तरीके से ये जांच करने की ज़रूरत है कि हमें कितना पैसा कहाँ कितना डेवलपमेंट में चाहिए और उसके लिए काउंसिल फॉर्म करने की ज़रूरत है? तो ये सारा जो आर्टिकल है, ये सारा जो मैटर है, ये इस आर्टिकल में दिया गया है। द फिनेंस मिनिस्टर, द RBI एंड CSO एंड नीति आयोग विल ईच डेप्यूट एन ऑफिसर टू सर्व इन दी या सेक्रेटरीट। द कमिटी विल बी वाउंड अप आफ्टर सबमिटिंग इट्स रिपोर्ट, लीविंग नो स्कोप फॉर एनी मिस या मिशन क्रीप। किसी भी तरीके से इस मिशन का क्रीप अप हो या कोई भी ऐसा रीज़न हो जिसके कारण कोई नुकसान देखने को मिले, तो इससे जो है बचने के लिए सरकार अपने पूरे प्रयास कर रही है। RBI, नीति आयोग, फिनेंस मिनिस्ट्री, CSO, हर तरीके से सारे ऑफिसर्स अपनी तरफ से सारा प्रयास कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग देयर बेस्ट एंड डेफिनेटली वी विल गेट अ गुड रिफॉर्म और गुड चांस ऑफ इट। ओके, it is all about this particular article. The next article is solar energy will play a big role in Atmanirbhar Bharat. आत्मनिर्भर भारत काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके आंसर राइटिंग के लिए भी, और PM द्वारा रिसेंटली लॉन्च जो प्रोग्राम है उस बेसिस पर प्रिलिम्स के लिए भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इट विल बी अ बिग एनर्जी मीडियम फॉर 21st century। अभी रिसेंटली आत्मनिर्भर भारत जो है उसके तहत एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी प्लांट जो है लोगों द्वारा लगाए जा रहे हैं और सरकार भी इस पर कार्य कर रही है, तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत को काफ़ी जो है हम कह सकते हैं सोलर एनर्जी जो है वो पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करने का कार्य करेगी भारतीय विकास को। ओके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्राइडे को ये कहा कि सोलर एनर्जी जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है उस गोल को अचीव करने के लिए जिसे हम करना चाहते हैं। ओके, एनर्जी सेक्टर में एसेंशियल फॉर एन आत्मनिर्भर, वो हमारे आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक हिस्सा है। ओके, सोलर एनर्जी पर वर्क करना, उसको की रोल प्ले करना उसका, और उसी के रोल के बेसिस पर उसी को जो है गोल्स डिसाइड करते हुए आगे बढ़ना, तो ये सारा जो मुद्दा है, ये सारे मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि हमारे लिए बहुत अच्छा टाइम है जब हम सोलर एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान में। ओके, सो इट वॉज ऑल अबाउट इट। द नेक्स्ट आर्टिकल वी आर गोइंग टू टेक इज 14% एक्सेस रेन इन इंडिया सो फार दिस मानसून। ये मानसून बेस्ड है या हम कह सकते हैं सीजनल सीजन बेस्ड है। ओके, सो वी नीड टू वर्क ऑन इट। देखिए क्या कह रहा है ये आर्टिकल, 14% एक्सेस रेन हुई है इस बार इंडिया में। अगर पिछले मानसून्स की बात की जाए तो 40% ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैव बेनिफिटेड फ्रॉम इट। इस बार बारिश जो है वो काफ़ी अच्छी हो रही है और 14% तक बारिश हुई है इस बार भारत में, जो कि कहीं ना कहीं भारत के अन्य क्षेत्रों को या जिन हम कह सकते हैं 14% तक जहाँ पे हुई है, जो 40% डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे ये हुआ है, उनको कहीं ना कहीं पॉजिटिव एस्पेक्ट देखने को मिलेगा या उनके यहाँ पे काफ़ी विकास देखने को मिलेगा। सो फार इंडिया हैज़ रिसीव 28.7 cm रेनफॉल एज अपोज टू द टिपिकल 25.2%। हमारा जो आइडिया था कि हम कितना रेनफॉल गेन करेंगे वो था 25.2%, लेकिन असलियत में हमने जितना रेनफॉल गेन किया वो है 28.7%। ओके, इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम काफ़ी अच्छा जा रहे हैं और 40 में से करीब 9 डेज तक जो है मानसून करीब चला है, और इसके अलावा काफ़ी अच्छी मात्रा में जो है डेली एवरेज के बेसिस पर भी मानसून देखने को मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो डेटा ये जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ना कुछ परसेंटेज में कुछ फिगर्स में, तो उसका कारण है कि ये डेटा जो है ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इशू करता है। ओके, अबाउट 40% ऑफ डिस्ट्रिक्ट रिसीव्ड एक्सेस रेन व्हाइल 27% अदर्स हैव सीन डेफिशिएंट रेन। कई जगह ऐसी है, देखिए 27% एरिया में तो देखा गया है कि बहुत अच्छी बारिश हुई है, लेकिन 27% के अलावा जो परसेंटेज ऑफ पीपल इन इंडिया है वो काफ़ी जो है लॉस में रहे हैं, वहाँ पे काफ़ी कमी देखने को मिली है बरसात की। देर आर 29 डिस्ट्रिक्ट्स इन यूपी में करीब 29 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 17 इन गुजरात, 17 गुजरात में, 16 जम्मू में हैं, और उसी के अलावा दैट हैव रिसीव्ड डेफिशिएंट
रेन, ओके, इन सभी जगहों पर कम बारिश देखने को मिली है, ओके, तो ये सारी जगह ऐसी हैं या ये सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे कम बारिश देखने को मिली है, लेकिन इस बार हम ये कह सकते हैं कि मॉनसून अपने रूटीन से काफ़ी ज़्यादा, मतलब 14% तक ज़्यादा रेन लेकर आया है, ओके, सो इट वॉज़ ऑल अबाउट द मॉनसून। ये मॉनसून हमने क्यों डिस्कस किया, क्योंकि मॉनसून जो है IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि क्या है और कैसे कार्य करता है, उसी के साथ में मॉनसून के बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब जब आप इसे पढ़ेंगे तो मॉनसून कब आता है, कैसे आता है, क्या जो है उष्णीतोष्ण या जो भी होता है वॉट एवर, तो वो सारी चीज़ों का एटमॉस्फेयर कैसा रहता है, ये सारी चीज़ें जो है आपके हेल्प आएगी, हेल्प करेगी, ओके, न्यूज़पेपर एनालिसिस में या इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। तो इस तरीके से हमने आज सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को यहाँ पे कवर कर लिया है। इसके अलावा अगर कोई आर्टिकल बच जाता है जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है और हमने यहाँ डिस्कस नहीं किया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ईजीली पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी लोगों की क्वेरी आ रही थी कि हमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में न्यूज़पेपर चाहिए, तो मैं आपको बता देती हूँ, चल रहा है, उस पर भी कार्य चल रहा है, सो डोंट थिंक टू मच अबाउट इट, डोंट गेट सो वरीड अबाउट इट, यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम आर साइड। आप हमारे टेलीग्राम चैनल AchieveIAS को भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट achieveias.co.in को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसी के साथ में अगर आपको कोई भी इशू है आप मुझे कमेंट सेक्शन या क्वेरी सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप यू गॉट इट, ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।